हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम हिमांशु है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कागज़ स्कैनर ऐप पे ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इसका फुल रिव्यू किया था और अगर आप पहली वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आप पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं और उस पीडीएफ फाइल का रीनेम कैसे दे सकते हैं, यानी नया नाम कैसे दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप ऐप यूज़ करते हो, वहाँ पर जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट नेम चलता है कि यानी जैसे 002 हो गया, 003 इस तरह के कुछ नेम आ जाते हैं। तो सेम प्रोसेस यार इस ऐप में भी है, तो आप उसको नया नेम दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई जैसे कि आप पीडीएफ फाइल सेव कर लेंगे, उसके बाद आप किसी को सेंड कर रहे हैं या फिर आप उसको सर्च कर रहे हो तो ढूंढने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप किसी को भेज रहे हो तब भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में कम्प्लीटली मैं यही बताऊंगा कि कैसे आप उसको पीडीएफ फाइल बना सकते हो और कैसे रीनेम यानी नया नाम दे सकते हो। तो मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। अभी हमने तीन फाइल का पीडीएफ बनाया है। तो मेरे पास दो तरीके हैं। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट हम जाके भी इसका नेम चेंज कर सकते हैं और अगर दूसरा हम यहाँ से नई फाइल को स्कैन करके भी हम पीडीएफ बना के उसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं बताता हूँ। पहला तरीका है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको इस पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा एडिट फाइल नेम, तो यहाँ पर हमको अपना नया नेम दे देना है जो भी आप रखना चाहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे PDF 31 लिख लिया और इसको मैं ऐसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नेम चेंज हो चुका है। और अब हम चलते हैं बैक, यहाँ से हम कर देंगे राइट क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF 31 कंप्लीट हो चुका है, यानी इसका नेम चेंज हो चुका है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपने इसका फुल रिव्यू नहीं देखा है तो इसको आप लास्ट तक देख सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता सकता हूँ। जैसे कि आपने प्लस आइकन पे क्लिक किया, यहाँ से आपको कैमरा खुल जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने कॉपी खोल ली है, अब इसको हम पीडीएफ बना के इसका नेम चेंज करते हैं। कैमरे से मैंने इसको क्लिक कर लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद इसको हम क्रॉप कर लेते हैं जितनी हमें इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे आपको मैजिक कलर 1 लेना होगा या फिर जो भी आपको पसंद हो। मैजिक कलर 1 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत क्लियर दिखता है। फिर यहाँ से आपको डन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको पीडीएफ बनाना चाहे तो पीडीएफ बना सकते हैं, नेम चेंज करना चाहे तो, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी पीडीएफ फाइल बना लेता हूँ। इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इसकी पीडीएफ फाइल बन जाएगी और फोल्डर में सेव हो जाएगी। अगर हम चाहें तो फिर से इसको बैक में जाके 3 डॉट पे फिर से क्लिक करेंगे, एडिट नेम दूसरा दे देंगे। यहाँ पे जैसे कि हम कुछ और भी नेम दे देते हैं, जैसे पीडीएफ चलिए हम मंथ का नेम दे देते हैं। तो हमने पीडीएफ अक्टूबर के नाम से इसको सेव कर दिया है। राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ अक्टूबर का जस्ट बिल्कुल अभी मैंने बताया, जस्ट कुछ सेकंड पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव हो चुका है। और शुरुआत में जो कि मैंने बताया था वो भी यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।